मेरे साथ जनाब जलीलुर रहमान साहब मेरे साथ हैं एंड आई रिक्वेस्ट एंड मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ जनाब जलीलुर रहमान साहब को। सर खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आज आपने इंडिया की बात की कि इंडिया वाले बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं, तो इस हवाले से मुझे याद आया कि इंडिया की आबादी देखें तकरीबन 1.5 अरब के करीब है, और 1.5 अरब की आबादी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की जजिस की टोटल स्ट्रेंथ है और 33 जजेस के पास जो पेंडेंसी है, जो बैकलॉग है, वो इतना जब उसको कंपेयर करेंगे पाकिस्तान में जो पेंडेंसी या बैकलॉग है केसेस की, वो तकरीबन 80-90 हज़ार के करीब है। तो वहाँ पे अगर 30-40 हज़ार केस पेंडिंग भी है, तो इतना बड़ा मुल्क है, तो वहाँ ये पेंडेंसी कोई इतनी बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती। जजेस की तादाद देखें कहाँ 1.5 अरब, इतना बड़ा मुल्क और उनके जजेस की तादाद है 33। और मुझे एक और वाकया याद आ रहा है कि वहां पे महाराष्ट्र हाई कोर्ट के एक जज साहब थे, तो उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को एक एप्लीकेशन दी कि जनाब मेरी गुजारिश है कि मेरे बेटे ने LLB के आखिरी साल में है, वो वकालत करने के बाद महाराष्ट्र में अपनी वकालत शुरू करेगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है, लिहाजा मैं ये मुनासिब नहीं समझता कि मैं बहैसियत हाई कोर्ट के जज के इस सूबे में काम करूं, लिहाजा मेरी आपसे इस्तदा है कि मुझे किसी और सूबे में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो वो उसकी एप्लीकेशन इंडिया के जो 3 सीनियर जज थे बशमूल चीफ जस्टिस इंडिया, उन्होंने उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और उसकी ट्रांसफर कर दी। अब आइए पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के जितने जज साहिबान हैं, ख्वाह वो सुप्रीम कोर्ट के हैं या वो सूबाई हाई कोर्ट्स के हैं, इन तमाम के जितने बेटे हैं, इनकी बेटियां हैं, इनके दामाद हैं, ये सारे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैडम करोड़ों नहीं अरब हर रुपए की इनके पास इनकी जो आमदनी है उसको ये कमा रहे हैं। अभी ये पिछले जो चीफ जस्टिस साहब थे उमर अता बंदियाल साहब, जब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे और जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, तो उनकी जो एक बेटी है वो प्रोमिनेंट वकील थी लाहौर में, और उसके पास जो लीगल एडवाइजरियों की तादाद है वो दर्जनों में थी। इसी तरह अभी ये जो जज साहब निकाले गए नकवी साहब, मजाहिर अली अकबर नकवी साहब, जिनको करप्शन बेसिस पे निकाला गया कि उन्होंने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया, उनके बेटे के पास तकरीबन 200-250 लीगल एडवाइजरी हैं। और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में मेरा ख्याल है कोई जज ऐसा नहीं, ये अभी कल परसों मेरी एक लाहौर हाई कोर्ट के सिटिंग जज साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश की, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, मैंने उनसे गुजारिश की कि कोई एक ऐसा जज बताइए या कोई दो ऐसे जज बताइए कि जिनके बारे में आप ये कहें कि ये मुकम्मल ईमानदार हैं, ये रिश्वत नहीं लेते, ये किसी के दबाव में नहीं आते। तो उन्होंने एक नाम लिया, वो भी मैं इस वक्त बताना मुनासिब नहीं समझता। अब बाकी देखें 35-36 के करीब लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, तो उसमें से एक नाम आया, मीनिंग देयर बाई के जो 34-35-36 जज हैं उनके बारे में उनकी जो इंटेग्रिटी है वो डाउटफुल है, बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह करीम हमारे मुल्क पर रहम करे। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला है, मैंने आज अपनी पूरी कोशिश की कि सीनियरिटी लिस्ट को मैंने आपको भेजा तो है, शायद उसका वो प्रिंट इतना वाज़े नहीं होगा। इसमें पहले नंबर पे काजी फैज़ ईसा साहब है जो 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि जितनी देर में ये है मैं इसको भी कोशिश करती हूँ कि आमिर इसको अपलोड करके शेयर भी कर सकें। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं जनाब जलील रहमान साहब। फॉर द लास्ट 30 ईयर्स ही इज़ बीन रिपोर्टिंग, ये जो कोर्ट एंड इस बार्स की रिपोर्टिंग है उसको करते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत मखदूश, बहुत मतलब हमारी जो अदलिया की सूरत हाल है। मैं आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैंने आज तक कभी कोई
आपके साथ ऐसी न्यूज़ शेयर नहीं की जिसमें अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे। मैं और इनसाइडर रिपोर्ट है, आज DGISI जनाब नदीम अंजुम साहब ने मुलाकात की है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से। जब उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा से मुलाकात की तो मरियम नवाज़ साहिबा के साथ मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन भी उनके साथ थे और काफ़ी लंबी ये गुफ्तगू थी। यानी इट वाज नॉट अ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन, इट वाज अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन। कहते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा सोफ़े पे बैठी हुई थी, DGISI जो थे जनाब नदीम अंजुम साहब खड़े थे और वो ज़्यादातर बात अपने हाथों के साथ कर रहे थे। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो हैं वो उनकी बातचीत सुन रही थी, मगर शी वॉज़ कंटिन्यूसली स्टेयरिंग एट द फ्लोर, शी वॉज सिटिंग ऑन द काउच, शी वॉज DGISI खड़े थे, मरियम नवाज़ साहिबा बैठी हुई थी सोफ़े पे और उनकी बात सुन रही थी। वो हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे यानी एलैबोरेट करते हुए, जबकि मरियम नवाज़ साहिबा जो थी वो फ्लोर की तरफ, एंड शी वॉज़ काइंड ऑफ सैड, यानी समथिंग जो शायद वो नहीं सुनना चाहती थी या जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, दैट्स काइंड ऑफ। DGISI थे वो अपने यानी जेस्चर्स के थ्रू ज़्यादा बातचीत कर रहे थे। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अता तारर भी उनके साथ थे कॉन्वर्सेशन में जब मरियम साहिबा वहाँ पे मौजूद थी। जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जनाब अता तारर और DGISI दोनों खड़े हुए थे और मरियम नवाज़ साहिबा जो थी वो सोफ़े पे बैठी हुई थी। इट वाज़ वेरी इनफॉर्मल मीटिंग और काफ़ी देर तक ये मीटिंग चलती रही। लेट्स सी कि कल या मंडे को हम आपके लिए क्या ख़बर लेके आते हैं। अब मेरे साथ जैसा मैंने ज़िक्र किया, हमने मेरा ख्याल है मीनवाइल मैंने ये टाइम आउट इस न्यूज़ को शेयर करने के लिए इसलिए लिया था ताकि मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो मेरे पास आई है मैं ये आपके साथ शेयर कर सकती। जनाब जलील रहमान साहब मेरे साथ हैं और जी जलील साहब लिस्ट आप देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। काजी फ़ायज़ ईसा जो है इनकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो है 25/10/2024, अगस्त सितंबर अक्टूबर की 25 तारीख को ये रिटायर होंगे। सैयद मंसूर अली शाह जो हैं बेसिकली इज़ अ पर्सन जो इन क्यू हैं, हु शुड बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस, इनकी रिटायरमेंट 2027 में आएगी। सो दिस मीन आई थिंक ही डज हैव स्टिल 2 months। अब आप शेयर कीजिएगा टू ईयर्स। जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस अतर, बहरहाल हम 8 तक ही रहते हैं, थले जान दी की लोड है। जी सर बताइए। अब इसमें देखिए कि अगर तो आइन की पासदारी की जाती है तो उसका आर्टिकल 175 जो वन है वो कहता है कि प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट दी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस पाकिस्तान। सो इज मिस्टर हु इज द सीनियर मोस्ट इज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह इज द सीनियर मोस्ट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा। और उनकी ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी है कि ही शुड बी टेकन एज द चीफ जस्टिस पाकिस्तान। लेकिन ये जो जजमेंट आई है 8-5 वाली, उसके जो 5 जजेस वाला इख्तलाफी फैसला था उसके आथर हैं जमाल खान मंदोखेल, और मंदोखेल साहब ने ये होल्ड किया है कि ये जो 8 जजों ने फैसला दिया है इसमें आइन को पामाल किया गया है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है वो इस तरह ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जानी चाहिए थी। ये वो तनाज़ा है जिसके 22 वफाकी हुकूमत माजरत के साथ एक दफा फिर लिस्ट पे आती हूँ। सो आपकी इस वजाहत के मुताबिक जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं इज डियरेस्ट एट द मोमेंट बिकॉज उन्होंने ये कहा है कि कानून को पामाल किया गया है।
सो देर इज़ अ चांस कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस हों, इज दैट राइट? हाँ जी, उससे ऊपर देखिए जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, वो भी इनके साथ थे, लेकिन उसमें पहले नाम उनका लिया जा रहा था कि अमीनुद्दीन साहब को चीफ जस्टिस हुकूमत बनाना चाहेगी, लेकिन इनकी देखें रिटायरमेंट 30/11/2025 में 25 को होगी, एक साल का, लेकिन एक साल का चीफ जस्टिस हुकूमत के मुफाद में नहीं, वो चाह रहे हैं कि कम से कम चीफ जस्टिस उनके साथ 3 साल तक चले। और ये देखें कि जो जमाल खान मंदोखेल साहब हैं उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है 11 नवंबर 2026, तो ये 2 साल मिल रहे हैं उनको। हाँ जी, उनको 2 साल मिल रहे हैं, और उससे ऊपर जो याहिया फरीदी साहब हैं उनकी रिटायरमेंट 30 में है, लेकिन वो अनप्रिडिक्टेबल जज हैं, बड़े धड़ल्ले वाले जज हैं, और मंसूर अली शाह साहब से जरा धीमे मिजाज के हैं, अगरचे दोनों ही धीमे मिजाज के जज हैं, मंसूर अली शाह साहब भी और याहिया फरीदी साहब भी, लेकिन ये कानून और आइन की पासदारी करने वाले जज हैं। बाकी जो जज साहब हैं अमीनुद्दीन साहब, मंदोखेल साहब, और बाकी जो व्हाट अबाउट जस्टिस मुनीब अख्तर, इनकी रिटायरमेंट जो है 13/12 यानी 12वें महीने में 2028 में, तो जस्टिस मुनीब अख्तर भी इनके फेवरेट नहीं हैं? इनके फेवरेट नहीं हैं, उसके बारे में तहफ्फुज़ात हैं, तहफ्फुज़ात बाकी हुकूमत को। सो इसका मकसद ये है कि लिस्ट में जस्टिस काजी फायजी साहब की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया, तो बिल्कुल ये 3 नापसंदीदा हैं। अमीनुद्दीन जो हैं उनकी 25/5 में रिटायरमेंट है। जमाल खान मंदोखेल इज़ द फेवरेट। अब आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के सिस्टम में अगर इतना अनफेयर सिस्टम हो, कनाडा के सिस्टम की मैं बात करती हूँ, कि यहाँ पर अगर आप मुलाज़मीन एक अरसे के साथ एक इदारे के साथ हैं और अगर आप सीनियोरिटी का ख्याल नहीं करते, उनकी अब ज़ाहिर है एनुअल रिपोर्ट्स तो बनी हुई हैं ना, उनका नहीं ख्याल किया जाता, और अगर इस तरह अपॉइंट करते हैं तो कैन दे टेक देम टू द कोर्ट? जिस शख्स की हक तलफी होती है वो कोर्ट में लेके जा सकता है? यहाँ तो अगर किसी जज की जो अपॉइंटमेंट है उसको चैलेंज किया जाए, उसको कहते हैं को वारंटो रिट पिटीशन, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन सिर्फ हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत वो भी दायर की जा सकेगी, उसको लार्जर बेंच सुनेगा, लाहौर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच सुनेगा, लेकिन उसमें एक कबाहत ये है कि पिटीशन दायर होने के बाद मैक्सिमम उसके ऊपर जो जुडिशियल ऑर्डर पास किया जाता है वो होता है नोटिस, कि जिस बंदे की हक तलफी की गई है या जिसको बनाया गया है उसको पार्टी बनाकर फेडरल गवर्नमेंट के नाम नोटिस जारी किया जाता है, उसके बाद वो फाइल सर्द खाने में चली जाती है साल हर साल तक, या कम से कम 2, 4, 5, 6, 8 साल तक वो पेंडिंग पड़ी रहती है। इस दौरान जिन साहब की अपॉइंटमेंट होती है वो अपना ऑफिस एंजॉय करने के बाद रिटायरमेंट लेके घर चले जाते हैं। जस्टिस नीलम आलिया साहिबा जो हैं उनको भी चैलेंज किया गया है, बट अगेन आपने कहा सर्द खाने में चली जाती है। जिस जज की, जैसे जस्टिस मंसूर साहब की जिनके साथ हक तलफी होगी, कैन ही टेक पीपल इन पर्सन टू द कोर्ट फॉर द हरजाना, या स्टेट के लिहाज से कोई ऐसा हो सकता है कि भाई इनके इस फैसले में ज़ाती मफादात थे जिसने स्टेट को हर्ट किया? पापा आजकल तो जितने मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जितने ये 16-17 जज हैं, इन सब के पेशानियों पे लिखा हुआ है कि ये जज किस धड़े से हैं, किस ग्रुप से हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आलिया नीलम साहिबा की जो अपॉइंटमेंट है वो पाकिस्तान बार काउंसिल के 20 में से 7 अरकान ने उसको चैलेंज किया है, जिसमें क्वेटा से भी काकड़ साहब हैं और हमारे मेहमान जो थे शफकत चौहान साहब, शफकत महमूद चौहान साहब, वो पहले नंबर पे हैं। लेकिन ये देख लें सुप्रीम कोर्ट में आजकल छुट्टियां हैं, 10
सितंबर को बकायदा सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खत्म होंगी। मंसूद अली शाह साहब भी इन दिनों एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बाहर हैं, उनकी वापसी 12 सितंबर को है। 13 सितंबर को पाकिस्तान जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया है, जिसमें आप देखिए पाकिस्तान जुडिशल काउंसिल की तश्कील कैसे है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, 4 सीनियर तरीन जज साहबान, 5 हो गए ये, छठे अटारनी जनरल पाकिस्तान और साथ में फेडरल लॉ मिनिस्टर। अब इसकी तश्कील पे गौर करें, ये 7 अरकान हैं, अगर ये 7 अरकान मिलकर नए चीफ जस्टिस का तकरर करते हैं तो 4 वोट तो सीधे ये जिसको चाहेंगे दे देंगे, और वही कुलिया जो आलिया नीलम साहिबा की तकरारी के वक्त इख्तियार किया गया उसको इख्तियार किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फारिग हो जाएंगे, या जिसको गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत बनाना चाहेगी चीफ जस्टिस, उसके सेहरे पे ताज रख दिया जाएगा। तो ये सारे मामले ऐसे हैं कि इसके लिए हुकूमत पूरी सर तोड़ कोशिश कर रही है। हुकूमत के लिए जो एक मुश्किल है सरदस्त, ये मैं आपको बताता चलूं कि वफाकी हुकूमत के पास इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। कौमी असम्बली में जो पीडीएम की हुकूमत है उसके अराकीन की तादाद 213 है, और सेनेट में पीडीएम के अराकीन की तादाद 52 है। तो 213 अराकीन कौमी असम्बली में से एक जो अराकीन कौमी असम्बली है सरदार अख्तर मैंगल साहब, उन्होंने रिजाइन कर दिया, अभी उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने ट्वीट किया है ही इज गॉन टू दुबई नाउ, और उन्होंने दुबई जाने से पहले अपना ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुझे मैं बिल्कुल नहीं गाऊंगा। उन्होंने मायरंग का भी जिक्र किया, एक और भी जिक्र किया, उन्होंने कहा अब आप पहाड़ी लोगों को ख़ुद मनाएं, ख़त्ते के साथ बहुत ज़्यादती है, और मैं जवाब दे हूँ अपने इलाके के लोगों को, बट ही इज़ गॉन टू दुबई। जी अगर ये 213 अरकान हैं जिनमें अख्तर मैंगल साहब भी शामिल हैं, तो अब इसमें शामिल कीजिए 8 अरकान असम्बली जो जमीयत उलमा पाकिस्तान के हैं। अब देखें हुकूमत बड़ी मुतफक्कर है और दाल में काला साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हुकूमत इस मामले को बड़ी आसान समझे कि ये 2/3 अक्सरियत आसानी के साथ हासिल कर लेगी, तो सदर जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिलने ना जाते। अभी एक दो दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की है। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान असम्बली की तादाद 8 है, तो 8 अगर 213 में जमा किए जाएं तो ये 221 बन जाते हैं, तो 221 बन गए, और 2/3 अक्सरियत के लिए फिर भी 3 अरकान कम है। अब इन 3 अरकान की तादाद पूरा इस तरह हो सकती है कि तहरीक पाकिस्तान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को एक तरफ रखें, 8 अरकान ऐसे हैं कौमी असम्बली में जो आज़ाद हैं, जिन्होंने अभी तक किसी सियासी जमात के साथ अपनी वाबस्तगी का ऐलान नहीं किया। तो इन 8 में से अगर 2, 3, 4 को गवर्नमेंट कोई लालच दे के कोई किसी बहुत ही आला किसी किस्म के अहदे का लालच दे के, या अब अहदे तो बहुत दूर की बात है, अब तो बोरियों में पैसे भर के दिए जाते हैं। सर आपने बोरियों में पैसे, यहाँ से ही मैं आपके साथ जिक्र करना चाहती हूँ, जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीटीआई के हाथ पे हाथ रखा, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़ाहिर है हमेशा से आप उनका जितना पास देखने आए, रिस्पेक्ट हिम, मगर कश्मीर का तनख्वाहें भी लीं, जमातें भी अपनी बनाईं, कुछ भी ना कर पाए। गवर्नमेंट्स को टॉपल करने में अख्तर मैंगल ने भी रोल प्ले किया था, अचकज़ई साहब ने भी रोल प्ले किया था, आज किस बात को रोते हैं? यानी ये वही लोग थे जिन्होंने सर झुकाए थे, और आज ये वही लोग हैं कि दोबारा फिर एतराज़, फिर चलने दो। अगर आपने टॉपल किया था और आप नई गवर्नमेंट लेके आए थे तो फिर किसी एक के साथ तो चलो ना। अच्छा, मगर मौलाना फजलुर रहमान साहब एक तरफ पीटीआई से, एक तरफ वो अपोजिशन से मेल मुलाकात करते हैं, एक तरफ वो अस्करी जमात से भी मुलाकात कर रहे हैं,
आज उनको चार गवर्नरियां देने का जो प्रेसिडेंट से जब मुलाकात हुई और उनको चार वजारतें देने का दिया गया, उसके बारे में कुछ फरमाएंगे? आपके नोटिस में है जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये पेशकश की गई है कि आपको वफाकी हुकूमत में चार वजारतें देंगे। ऐथे रखो जी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरशिप आपको देंगे। ऐथे रखो। बलोचिस्तान, बलोचिस्तान की जो हुकूमत है उसमें उसमें आपका हिस्सा होगा। और ये आपके इलम में होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जब ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे तो इनका जो लस्सी का बिल था, जो ये पार्लियामेंट लॉजिस में रहते थे वहाँ जो लस्सी पीते थे, वो लस्सी का बिल गालिबन 40-50 लाख रुपए था। तो मौलाना साहब बड़े, कोई गल नहीं जी, वो खा लेना, लस्सी का भी बिल होगा, हलवे का भी बिल होगा, मगर अब मैं वो हलवे मांडे खाने में मशहूर है। अच्छा मैं सर, अब आप यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ कि इसके बाद जब गवर्नमेंट, यानी आपने हर एक को करप्ट कर दिया, जब आपकी गवर्नमेंट टॉपल हुई थी, जब आपकी गवर्नमेंट चेंज हुई थी और आपने वो लोग जो पीटीआई के साथ थे उनको ख़रीदने के बाद दूसरी तरफ शामिल करवाया, आपने तब भी पैसा बहुत खर्च किया, आपने खुद करप्ट किया अपने नुमाइंदों को, ठीक, ये दे आर ऑल इक्वली रिस्पॉन्सिबल, चाहे उसमें मैंगल साहब हैं, चाहे उसमें बलोच साहब हैं, चाहे उसमें अचकज़ई साहब हैं, चाहे उसमें मौलाना साहब हैं। मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों का बाइकॉट होना ज़रूर चाहिए तमाम का, जो कल तक एक किसके पलड़े में नहीं, वो कहते हैं ना जो माँ प्यो का नहीं वो किसी का भी नहीं, जो पाकिस्तान का नहीं वो किसी भी पार्टी का नहीं होएगा। जमीत उलमा इस्लाम जनाब, चार वजारतों और इसके साथ जिसमें उन्होंने कहा है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनाने की पेशकश की गई है, और अब आप मुझे ये बताइएगा कि क्या क्रेडिबिलिटी है आपकी, डिवाइड एंड रूल ने इतना कंट्रोल किया हुआ है कि ये आपके जो लॉयर्स बेचारे अपने केस भी प्रूव नहीं कर सकते, यानी इन पाकिस्तान इट इज़ ओनली मनी व्हाट टॉक्स, व्हाट वुड यू से? आपके वकील तक तो डिवाइड कर दिए, हालांकि आसमा जहांगीर के ज़माने में आर्मी के बारे में जितना एजुकेट वो कर गई थी किसी ने भी नहीं किया, मगर फिर भी जब एक प्रॉब्लम आती थी तो तमाम के तमाम वकला एक प्लेटफॉर्म पे थे। नाउ आपकी जो वकला हैं, यानी उनको भी, उनमें भी रिफ्ट आ गई है, नोबडी, इट्स ओनली मनी टॉक्स। ये मैं आपकी जो आपकी ऑब्जर्वेशन है इससे मैं खुली इतफाक करता हूँ। वकला को तकसीम कर दिया गया है और उनको बड़ी ल्यूक्रेटिव ओहदे दिए गए हैं। मैं यहाँ पे प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की बात करता हूँ, एक तो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं और ये पूरे सूबे के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं, और उसके साथ प्रोसिक्यूशन के लिए मुकदमा में ये जो जराइम हैं या नैब के मुकदमात हैं, लूट मार के मुकदमात हैं, उनमें मुलजमान को ख्वाब वो सियासी हैं या दूसरे हैं, उनको सजा दिलवाने के लिए प्रोसिक्यूशन है। और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की जो सैलरी है वो 20 लाख रुपए है, प्लस उसका जो गाड़ी हैं दो हैं, उसका जो पेट्रोल है वो अलग है, उसकी रिहाइश के अलाउंसेज अलग हैं, उसके टेलीफोन के बिल अलग हैं, उसके यूटिलिटी बिल अलग हैं। तो ये आप खुद सोचिए कि क्या किसी महजब मुल्क में, आप कनाडा की मिसाल ले लीजिए कि क्या कनाडा में ऐसा मुमकिन है कि किसी कम्युनिटी को डिवाइड करने के लिए उसके मेजॉरिटी को माला माल कर दिया जाए और खजाने से पैसे दे दिए जाए? ये तो मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है। यही सर मेरा अब आपसे, आप मगर मैं आपको बता दूं, पॉलिटिशियंस अराउंड द वर्ल्ड, दे आर करप्ट अराउंड द वर्ल्ड पॉलिटिशियंस, दिस इज़ व्हाट द पॉलिटिक्स इज, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर इंसान जो है उसकी एक कीमत है जो कि लगी हुई है। मैं सर आपसे यहाँ पे थोड़ा सा और, अगर आपने कोई चीज़ कवर करनी है, आज नैब की तरमीम के हवाले से जो फैसला हुआ है, यानी आपने एक बार तरमीम की, फिर 22 में सेकेंड टाइम तरमीम की, 23 में आपने थर्ड टाइम तरमीम की, आज आप स्क्वायर वन पे फिर जाके खड़े हो गए हैं, वुड यू माइंड टू एक्सप्लेन इट?
इसमें मुझे माजी की बात याद आ रही है, जब ये नैब ऑर्डिनेंस आया 1999 में, तो जनरल मुशर्रफ साहब ने ये बनाया था। ये कानून था कि जो वाइट कॉलर क्राइम है, ये जो सियासतदान घपले करते हैं अरब हा करोड़ हा रुपए, देखिए पहले बातें होती थी करोड़ों की, अब होती हैं अरबों खरबों की। तो ये जो अरबों खरबों रुपए खा जाते हैं, उसको उस पे हाथ डालने के लिए, ऐसे जराइम के लिए, ये नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 आया था। ये कानून चैलेंज किया गया कि जी ये आइन और कानून से मुतसादम है, लेकिन हमारी अदलिया ने ही ये करार दिया कि ये एक मुनासिब कानून है। अब जब इमरान खान साहब की हुकूमत को खत्म किया गया और केयर टेकर गवर्नमेंट आई, तो केयर टेकर गवर्नमेंट के जो पंजाब में मोहसिन नकवी साहब थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि ये जितनी ऐसी तरमीम है इसमें एहतसाब के कानून में, इसको खत्म कर दिया जाए। तो उसमें ये तरमीम थी, इसके कोई 8-9 सेक्शन थे, जिनमें ये था कि ऐसे मामला जिनमें करप्शन की रकम 50 करोड़ या 50 करोड़ से जायद है। अब ये देखिए पाकिस्तान की बदकिस्मती कि नैब ने जितने रेफरेंसेस बनाए सियासतदानों पे, उनकी अगर मजमूई रकम का अंदाजा लगाया जाए तो वो खरबों में बनती है, कि इन सियासतदानों ने, जिनमें जरदारी साहब हैं, शरीफ बरादरान हैं, जहांगीर तरीन साहब थे और बाकी कुछ एमपीएम के लोग थे या कुछ दीगर सियासतदान थे, कि इन्होंने अरबों खरबों के घपले किए हैं, लिहाजा इनके खिलाफ रेफरेंसेस चल रहे थे। सबसे ज्यादा मुतासरीन थे जरदारी और शरीफ बरादरान। तो जब ये पीडीएम की हुकूमत बनी, इसको कहेंगे यहाँ के मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, तो इन्होंने सबसे पहले आते ये काम किया कि ये 50 करोड़ या जायद से रकम वाले जितने रेफरेंसेस थे, उसकी मुतलका तमाम शिक्कों को खत्म कर दिया। जब उन शिक्कों को खत्म किया, तो इमरान खान साहब ने वो जो शिक्कें खत्म की गई, उनकी बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की। वो पटिशन लगी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, सैयद मंसूर अली शाह साहब और एजाज उल हसन साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो रिजाइन कर गए। तो ये 3 मेंबर्स एक बेंच बैठा और उसने वो पटिशन एक्सेप्ट कर ली और उन तरमीम को अनडू कर दिया। इस दौरान ये पीडीएम की हुकूमत बनी। पीडीएम की हुकूमत ने सबसे पहले आते ही प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट बहुत जो शुक्रिया, एक्ट है वो बहुत बनाया, और अब ये जो आज फैसला आया है, इसने वो जो जितनी तरमीम पीडीएम की हुकूमत ने की थी उनको बहाल कर दिया। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं इसका फायदा इसका फायदा इमरान खान साहब को भी पहुंचा। तोशाखाना रेफरेंस, या वो अगर 50 करोड़ से ज्यादा है वो फारग, और जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है वो भी फारग हो गया। बहुत शुक्रिया। और साहब, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये वाला सेगमेंट जो हमारा है, दो चीज़ें, एक और मैं न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। जलील रहमान साहब, आपके नोटिस में होगा कि कोला नेक्स्ट पाकिस्तान का एक सॉफ्ट ड्रिंक है। मैं आज नाम भी ज़ाहिर कर देती हूँ। पाकिस्तान का एक टेलीविज़न है 92 न्यूज़, शायद आप के नोटिस में होगा। इसी फैमिली की बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी हैं, शुगर मिल्स भी इनकी हैं। इन्होंने 2016 में लॉन्च किया था ये कोला नेक्स्ट, और कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये कोला नेक्स्ट जो है कभी कोई बहुत ही नंबर वन हिट प्रोडक्ट बन सकती है। कोला नेक्स्ट गज़ा का वाक़या होने के बाद जब पाकिस्तान के लोगों ने कोका कोला और पेप्सी को ब्लॉक किया, आमिर क्विकली आप भी मेरे साथ आके शामिल हों, ये बड़ा बहुत बड़ा माफिया है। तो क्या हुआ कि कोला नेक्स्ट, जब कोका कोला और पेप्सी को ब्लॉक किया गया, तो सारी दुनिया ने, पाकिस्तानियों ने कोला नेक्स्ट को लेना है। पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं, इतनी उसकी डिमांड हुई कि ये लोग सप्लाई ही नहीं कर पा रहे थे। अब ये मैं बिज़नेस टाइकोन्स की बात कर रही हूँ,
चैनल 92 का मैंने आपसे जिक्र किया, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, इंडस्ट्री बहुत सारी है, शुगर मिल्स इनके इनके पास हैं, कोला नेक्स्ट, और इनके एक बंदे को एबडक्ट कर लिया जाता है कराची से, और मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था, एबडक्ट करने के बाद ये सारे के सारे हरकत में आते हैं, एजेंसीज वाले इनके घर आके बैठ के 6 दिन के बाद बंदे को तो उन्होंने फारिग की मतलब घर भेज दिया, सड़क के दरमियान, हर एक को सड़क के दरमियान छोड़ के गए हैं। कहते हैं कि जब एजेंसीज वाले इनके पास आए, और मज़े की बात यह है कि कोऑर्डिनेशन का आलम देखिएगा कि कोला नेक्स्ट के जो ओनर एक कराची से जिनको अरेस्ट किया गया था, उनको तकरीबन 5 या 6 डाले आए, जिसमें उनको उनकी BMW से निकाल के डाला गया, और एक के ऊपर नंबर प्लेट थी। खैर, जैसे मैंने आपसे कहा, चैनल 92 और ये वेरी दे हैव गिवन सो मच एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में इन्होंने प्रोड्यूस की हुई। आमिर, आप मेरे साथ शामिल हों आके, इतनी एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे है, लोगों की नौकरियाँ हैं इनकी। अब कोला नेक्स के इस शख्स को सड़क के दरमियान में से अरेस्ट करके ले जाते हैं, ये सारी की सारी एजेंसीज वाले इन्हीं वडेरों के पास, यानी जो पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी है, इनके पास ये लोग आके बैठे एजेंसीज वाले। जब एक गार्ड ने बताया कि जी ये नंबर प्लेट थी एक डाले की, वहाँ से एजेंसीज वालों ने कहा अच्छा 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 बंदा मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। एनीवेज 6 दिन के बाद अगेन उस बंदे को भी सड़क पे छोड़ के गए। एक और न्यूज़ थी कि नेक्स्ट, वो कहते हैं कोला नेक्स्ट ओनर टू फाइल अ केस अगेंस्ट जस्टिस बाबर सत्तार फॉर मैरिंग डिस्पाइट बाबर्स वाइफ बीइंग अंडर निकाह विद जुल्फिकार अहमद। पता नहीं पाकिस्तान को क्या हो गया है, कमाल की खबरें हैं। बेशतर इसके कि मैं जलीलुर रहमान की तरफ लेके जाऊँ, आमिर मेरे साथ हैं। पाकिस्तान में ना पुल्स बहुत काउंट करती हैं, हालांकि कोला नेक्स्ट इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी नाउ रूलिंग, इस वक्त उन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। मगर आपको पता होगा कि एक चैनल है टेलीविज़न का, आज मैंने जब चैनल 92 का जिक्र किया तो एक GNN चैनल है पाकिस्तान में, मुझे याद है ये पुरानी बात है, 6-7 साल पुरानी बात है, गोर में एक बेकरी थी जिनके केक्स बड़े मज़ेदार हुआ करते थे, और गोरमे के ओनर्स ने एक चैनल ख़रीद दिया था बिकॉज़ दे हैव मनी, और वहाँ पे चीज़ें, हर चीज़, इंसान बिक रहे हैं, चैनल्स बिक रहे हैं, तो उन्होंने एक ख़रीदा था। अब यहाँ पर चैनल 92 के मालिक और जनाब अहमद साहब, जो ये पूरा का पूरा ग्रुप है, इनका कोला नेक्स्ट जब सक्सेसफुल हुआ तो एजेंसीज़ को पीछे से पुश किसने दी, दूसरी पार्टी ने। दूसरी प्रोडक्ट का क्या नाम है आमिर? गोरमे इन्हीं का जो है, बेसिकली दो जाइंट्स, एक है जैसे आपने 92 का इन्होंने बता दिया, इनके कोला नेक्स्ट है। इस तरीके के पाकिस्तान में चैनल जो GNN है, और जाहिर है गोरमे जिस ने बेकरी बताई, तो गोरमे की भी इनकी बेसिकली GNN के जो ओनर्स हैं, दे आर बेकरी ओनर्स। मुझे याद है मैंने गोरमे के केक्स बहुत मज़ेदार थे, मिठाइयाँ इनके बिस्किट्स बहुत मज़े के थे, और फिर पता चला कि इन्होंने GNN चैनल जो बनाया, जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट को हायर भी किया, तनख्वाहें भी नहीं दी बतेरों को तनख्वाहें, 3-3 महीने तनख्वाहें नहीं मिलती। वहाँ मेरे दोस्त काम करते हैं, GNN में भी काम करते हैं। अच्छा, और मगर अब क्या है कि GNN इनकी प्रोडक्ट, उनका जो ड्रिंक है वो गोरमे के ही नाम से, इन्होंने बेसिकली जैसे आपने बताया गोरमे बेकरी इनकी मशहूर थी, तो इन्होंने गोरमे के ही नाम से अपनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है, जैसे कि कोला नेक्स्ट है, पेप्सी को, जो दूसरी और सॉफ्ट ड्रिंक्स है, तो इन्होंने भी गोरमे के नाम से अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स। जब आप न्यूज़ को देखते हैं, जैसे अब आपने देखा कि PTV इज़ टोटल सोल्ड, दे शो वट एवर द गवर्नमेंट वॉन्ट, आप जियो को अगर आप देखते हैं तो इमरान खान के दौर में जियो के ऊपर बहुत पाबंदी, विच इमरान खान डिड रॉन्ग, मगर जियो के ऊपर बहुत, जनाब शकील रहमान साहब के ऊपर भी सख्तियाँ हुई, किसी की इज्जत का पास नहीं रखा गया। आज वहाँ वो हुकूमत के बिहाफ पे बात कर रही है, अस्करी इदारों के बिहाफ पे वो बात कर रहा है, मगर वो चैनल्स जो अगेंस्ट बात करते थे इमरान खान की, यानी टोटल पोलराइजेशन, बहुत ज़्यादा डाइवर्जन वो है। GNN को जब आप देखते, मैं 92 को देखती हूँ तो 92 अस्करी पार्टी के साथ है, ठीक है, GNN किसके साथ है? और पापा यहाँ खुल के तो जाहिर है कोई भी नहीं करते, लेकिन न्यूज़ से अंदाज़ा हो जाता है। जैसे बहुत सारे टीवी में आपको बता देते हैं, जैसे जियो है वो एक प्लेटफॉर्म पर है, दूसरी तरफ है ARY जो है वो दूसरी पर, हमें बहुत अच्छा है। इसी तरीके से जो हम टीवी है
वो भी दूसरी तरफ है, वो अस्करी साइड पर है, इधर नहीं करता। इसी तरीके से 92 वो भी दूसरी साइड पे। GNN के जितनी भी मैंने रिपोर्टिंग न्यूज़ देखी है उसमें, अच्छा वो बहुत एहतियात से बात करते हैं मैंने अब तक जो देखा, लेकिन उनका कहीं जगह पे वो ये जाहिर नहीं कर रहे अब तक कि मैं किसके साथ हैं। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में इस वक्त एक जो मैं कंप्लीट कर लूँ, पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत वो हो गई कि आप जितने ऊपर से नीचे चैनल्स उठा लें वो इस वक्त बज़ाहिर जो वो लग रहा है कि उनको ऑर्डर हुए हैं कि आपने PTI को फेवर नहीं करना, वो नजर आ जाता है हम किसी की भी। मगर आमिर मुझे, मैं अगला सवाल, हो सकता है मजबूरी हो समटाइम, क्योंकि हम ग्राउंड पर नहीं है, वहाँ जब ग्राउंड पे होते हैं तो ज्यादा वो पता चलता है कि हो सकता है समटाइम लोगों की मजबूरियां होती हैं। अच्छा। 500-600 बंदा एक एक चैनल में अगर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन से लेके तनख्वाहें नहीं देते, सबसे बड़े गम की बात है। बहुत सारे बड़े एडवर्टाइजर्स को फोन चले जाते हैं, मैं काम करता रहा हूँ, कि आपने इस चैनल को एड नहीं भेजना। मैं आप सारे एडवर्टाइजर्स को कहती हूँ, आप 7/7 को एडवर्टाइज दिया करें, हम आपको प्रमोट करेंगे। अच्छा जलील साहब, आप क्या फरमाते हैं? अब ये दो टाइकॉन्स आपके मीडिया टाइकॉन्स हैं, और 92 ने जो अपना नाम भी रखा है ना, मैं प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के नाम 92 जो है ना, उनको करें तो वो नंबर्स का कोई सिस्टम है। हाँ, और ये वही चैनल है जो चाहे जितना बड़ा कोई भी टॉक शो चल रहा हो पाकिस्तान में, चाहे शाम के टाइम अजान का वक्त हो तो उन्होंने रोकना ही रोकना। उन्होंने ये उनकी एक, मैं जाहिर देखता हूँ कुछ भी हो जाए, जितने बड़े तजियाकार जर्नलिस्ट का कोई प्रोग्राम चल रहा हो, अगर उस दरमियान में कोई भी नमाज आ गई है तो वो कट हो गया शो। बिल्कुल। अच्छा अब आप जलील रहमान साहब, आप बताएं ये दो टाइप, मगर इदारों ने, इसका मतलब है यहाँ पर भी जैसे पाकिस्तान में कंटेनर्स के पैसे दिए जाते हैं, भत्ता दिया जाता है, परसेंटेज दी जाती है, यहाँ पर भी कोला नेक्स्ट को बंद कर, क्योंकि इन साहब जिनको अगवा किया गया था ना, कोला नेक्स्ट के ओनर मुअज्जम साहब को जिनको अरेस्ट किया गया था, उन पे एक ही प्रेशर था कि तुम कोला नेक्स्ट बंद कर दो। तो वॉज इट बाय द GNN का जो वो जो प्रोडक्ट गोरमे ये बड़ी दिलचस्प बात मैं बताने जा रहा हूँ आज आपको। हाँ। एक तो मैंने आज ही ये जो कोला नेक्स्ट है बर्गर के साथ मैंने ये बोतल पी है, मुझे अच्छी लगी, पहले भी पी थी 2-4 दिन पहले। आप बाज आ जाए, एजेंसी आपको भी पकड़ के ले जाएंगी। अच्छा, आपने अच्छा, तो दो नहीं उनके खा सकने। अब गोरमे की सुन लें, गोरमे वालों का एक बेकरी है खानका डोगरा के सिरे के ऊपर, वहां से एक फैमिली ने शामी कबाब और बर्गर लिया, तो उसमें से एक दो साहब तो मर गए, और एक साहब के जब डॉक्टर्स ने उसका मैदा साफ किया तो उसमें से पता चला कि उसने कोई शामी कबाब खाया था, ये गोरमे का था। तो वो कबाब का जो कीमा था वो क्या कहेंगे उसको, कंटेमिनेटेड था या जहरीला था या पुराना था या उसमें कोई छिपकली वगैरह का कोई उसको टच कर गई या गिर गई या बीच में ही कीमा बन गई। तो ये तो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2 दिन पहले की। और दूसरी दिलचस्प बात ये मैं बताऊं कि इनके ऊपर मैंने 2010 में केस किया था आइसक्रीम का, इनकी आइसक्रीम भी है, इनका कोला तो बिल्कुल बेकार है, मैं आपको बताऊं, इनकी आइसक्रीम है वो बर्फ का गोला होता है, बर्फ के गोले में कोई मिक्सचर डालते हैं। सर मैं यही तो आपसे बात कर रही हूँ कि क्या इन्होंने मनी पैसे ने बात की कि उनको बंद। मैं वैसे गोरमे की मैंने कभी उनके कबाब शबाब नहीं खाए, अलबत्ता इनका गाजर का हलवा बहुत मजा था, इनका दाल का हलवा बड़ा मजेदार था, इसमें कोई मजेदार है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये इनका बिजनेस क्लैश लग रहा है मुझे, क्योंकि बिजनेस क्लैश इनका वो नाकाम हो गई है, वो गोरमे कोला जो है, तो गोरमे वालों ने कहा कि अब लगाओ पैसे, अब या फिर अब उनका बस चलेगा तो 92 पॉइंट जो चैनल है उसको भी खरीदने। वेरी सैड। मगर जलीलुर रहमान साहब मुझे आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर आपका इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने एक ज़माना था कि बेशुमार इंडस्ट्री ने पाकिस्तान को छोड़ा था, आपको याद है गर्म कपड़ा एक मिला करता होता था, उसको क्या कहते थे हमारे, हाँ नहीं 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 महंगा वाला, हमारी एयर होस्टेसेस उसका लिबास पहना करती होती थी, जल्दी से मुझे कोई गाइड करे। बहरहाल
ये दाऊद हरकुलीस की, ये जो हमारे सैगल्स थे इनकी फैक्ट्रियां, हुआ लॉरेंसपुर की लायला, ठीक है। अच्छा, कपड़े की बेशुमार इंडस्ट्री ने पाकिस्तान से अपनी इंडस्ट्री उठाई थी और दे टुक इट टू ढाका, बेशुमार इंडस्ट्री चली गई थी पाकिस्तान से। अब आप ये समझते हैं कि ये इनके आपस के मुकाबलों की वजह से, और अगर एजेंसीज इनमें इन्वॉल्व हो जाएंगी कि वो बंदों को उठा के ले जाएंगी और फिर उनको प्रेशराइज करेंगी कि आप अपना कोला नेक्स्ट बंद कर दें, तो एक और बात तो सुन लेना दिलचस्प। हाँ। ये जो गोरमे वाले हैं, इनका जो मालिक है, चंद साल पहले तक तो सिटिंग एसपी था, सिटिंग एसएसपी था, सुबैर चट्टा गालिबन उनका नाम है, चट्टा फैमिली से, पुलिस के सोर्सेज इस्तेमाल हुए होंगे, पूरे घोड़े दौड़ाए होंगे, उस बंदे को उठा के ले गए, बाद में छोड़ दिए। ये पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ, ये उसके मालकिन में, उसके मालकों में पुलिस एक पुलिस अफसर शामिल, और वही सारे करता धरता वही है। यानी कोला नेक्स्ट के मालिक को उठाने में असल में पुलिस वाले शामिल थे, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। वो कड़ियां मिल गई ना जी, कि वो गोरमे का जो मालिक है वो, यानी कि थोड़ा अर्सा पहले तक तो वो महकमे पुलिस में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, एक एसएसपी है, वो किसी जिले के एसपी को कह के या जो डीएसपी है या सीआईए है उनको कह के रेड पड़वा सकता है, भाई इसको उठा लो, उठा लेंगे उसके कहने के ऊपर। छह दिन उठाई रखेंगे और उस बंदे की आंखों पे पट्टी बांध के रखी। I wish I can show you his picture. Very बड़ा प्यारा सा इंसान है और वो बड़ा इनोसेंट से मुझे लग रहे हैं, मगर वही कि उनको एक ही फोर्स करते रहे कि आप अपना बिजनेस को रैप अप करें। और अगर सर ये इस तरह बिजनेस रैप होगा, जैसे मैं अभी मिसाल दे रही थी कि सारा का सारा बिजनेस आपका पाकिस्तान से निकला, इंडस्ट्री चली गई, फैसलाबाद को अगर आप इस तरह से उजाड़ेंगे तो आपके आम आदमी जो नौकरियां कर रहा है वो रोटी तो आगे खानी मुश्किल हुई हुई है, बिजली का बिल पे करना मुश्किल, व्हाट विल दे डू। टैक्सेस इतने हो गए हैं, कोई 25-30 के करीब तो टैक्सेस हैं, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, विदहोल्डिंग टैक्स है, सरचार्ज है, ये तो बीसियों किस्म के टैक्सेस हैं। तो बहुत शुक्रिया, बिजली इतनी महंगी है। बहुत शुक्रिया जलीलुर रहमान साहब से मेरी बात हुई। कोई आपको लगता है कि पाकिस्तान के वकीलों को कोई लाज ख्याल आएगा, उनको याद कराएं कि जस्टिस मुनीर जब आए थे यही कुछ हुआ था, क्या वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स को असाइड करते हुए कैन दे गेट टुगेदर फॉर द सेक ऑफ कंट्री। आमिर साहब बैठे हुए हैं प्रोग्राम में, मेरी बात से शायद इत्तेफाक करें कि पहला पत्थर जब भी पड़ेगा लाहौर से ही पड़ेगा, लाहौर से ही इंशाल्लाह तहरीक उठेगी। और इस सिलसिले में सबसे चौहान साहब आपके सर, वैसे मैं माजरत के साथ लोरी सत्तू पी के सो रहे हैं, इंतहाई मैंने आपसे कहा ये वो कौम है लोरियों की के खुदा की पना, मतलब मैं खुद लाहौर से हूँ, ठीक है। मुझे याद है कि हम वो एफसी की नहर को क्रॉस किया करते थे तो मुजफ्फर कहते थे ठंड पड़ गई यार, हवाई और है, हवाई और है, तो वो कभी वो कम ही मिला करते थे, मैं ज़रा बोलने वाली थी, मुजफ्फर अली कम बोलते थे, मैं बहुत बोलती थी, तो वो अगर जहाँ पता लगता था मॉडल टाउन ही है तो पूरा डाकखाना मिल जाता था, MTBS मॉडल टाउन बस सर्विस के हवाले से, ज़ाहिर है हमारे दौर की बात है। तो बहरहाल लाहौरिये मुझे लगता है कि आई डोंट नो, दे आर वेरी सेल्फिश एंड मनी माइंडेड पीपल। जेनेटिकली वो आप पंजाब की हिस्ट्री पढ़े हैं तो बड़ी अफसोसनाक हिस्ट्री है हमारे पंजाब की, जहाँ पे मैं भी रहता हूँ उसमें तो ये तो हर आने वाले हमला आवर को रास्ता देते थे, अकीदत रास्ता देते रहे हैं, जी हजूरियां करते रहे हैं, और जितने ये गद्दार थे ब्रिटिश रिजीम में सारे पंजाब से ही हैं, और ये पीर फकीर मुखबरियां करते थे, लैंड लेते थे, गद्दारी करने वाले, एग्जैक्टली लैंड लेते थे, ये मुखबरियां करते थे, इनको सर के खिताबात दिए गए थे उन मुखबरियों करने के बस। एनीवेज हम वी हैव टू फॉरगेट दोज रिवेंजेस, अल्लाह करे कि आज भी हम अगर हम जाग जाएं तो बहुत बड़ी बात है। जनाब जलील रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। आमिर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज वो
प्रोग्राम में आए। नहीं नहीं, वो जीएनएन की प्रोडक्ट को वो ज्यादा जानते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं अच्छी बात, अल्लाह मेरे पाकिस्तान का हामी नासिर, मगर इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट, स्पेशली अगर आपका इंडस्ट्रियलिस्ट निकलेगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर आम लोगों के लिए, बहुत मुश्किल होगा।